हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की नई वीडियो पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी में गियर डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं अलग अलग वीडियो में, और ये बात कई बार पूछी गई है कि सर गाड़ी में गियर डाउन कैसे करा जाता है। तो इसके ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना टाइम गंवाएं वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है वो 40-50 की स्पीड में या 60 की स्पीड में चल रही है वजन पे, खाली की नहीं। आज हम वज़न गाड़ी पे बात करेंगे कि वज़न अगर हमारी गाड़ी में लदा हुआ है और हम जो है वो 40-50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और मान लीजिए हमें जो है एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ब्रेक तो लगाएंगे ही, और उसके बाद में एकदम से क्लच को नहीं दबाएंगे। ब्रेक लगा कर गाड़ी स्लो होने लगेगी जब गाड़ी 20-30 की स्पीड में आ जाती है, और उसके बाद जब हमें लगेगा कि हाँ अब हमें गियर बदलना है, तब हम जो है क्लच को दबाएंगे। और क्लच ब्रेक जो है वो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने आपको सब बता रखा है। तो सबसे पहले आप क्लच को दबाइए, और क्लच दबाने के बाद में आप गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए। तो गाड़ी को आपने न्यूट्रल कर लिया, और उसके बाद में ये अनुमान आपको खुद लगाना है कि हमारी गाड़ी कौन सी स्पीड में कौन सा गियर मांगती है। तो जब आप रेगुलर गाड़ी चलाने लगोगे तो आपको ये आइडिया खुद अपने आप लग जाएगा कि 20 की स्पीड में दूसरा गियर होता है, 30 की 40 की स्पीड में जो है चौथा गियर होता है। इस तरीके से ड्राइवर जब आप बन जाओगे तो इस चीज़ का अनुमान आपको खुद लग जाएगा। और गियर मान लीजिए आपने पहला गियर डाला है, और उसके बाद में आपने क्लच छोड़कर स्पीड जब खींचोगे, उसके बाद में मान लीजिए गाड़ी 10 की 20 की स्पीड में बढ़ेगी, फिर आपने दूसरा गियर डाला, फिर तीसरा डाला, इसी हिसाब से जब आप गाड़ी में जब हम ब्रेक मारते हैं, गाड़ी हमारी जो है स्लो होती है, स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की, तब हम जो है गियर उसी हिसाब से चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हमारी गाड़ी जो है वो छठे गियर में चल रही है, तो हम एक ज़्यादा स्पीड अगर हमने कम कर दी तो हमें छठे गियर से ऐसा नहीं कि हमें पाँचवा गियर डालना पड़ेगा, सीधे हम चौथे गियर में आएंगे। और अगर स्पीड हमने थोड़ी कम करी है, और इसका एक आइडिया ये भी होता है कि मान लीजिए जैसे कि हमने स्पीड कम करी, उसके बाद में हमने फिर जब हम स्पीड खींचते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, तो हमारी गाड़ी का साउंड जो है इंजन का साउंड वो खुद बता देता है कि उसे गियर बदलना है या नहीं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने छठे गियर से चौथा गियर लगा दिया, तो हमारे इंजन की स्पीड जो बढ़ जाती है रेस जमाने पे, तो हमें जो है तुरंत पांचवा गियर डालना पड़ेगा ताकि ज़्यादा जो है गाड़ी का इंजन जो है शोर ना करे। और मान लीजिए कि हमने स्पीड कम करी और हमने पांचवा गियर डाल दिया छठे गियर से, और हमारा इंजन जो है वो खड़खड़ाहट की आवाज़ होने लगती है, तो हमें लगता है कि हाँ अभी गियर और उतारना मांग रहा है इंजन जो है, तो एक गियर हम और उतार लेते हैं, तब जो है हमारी गाड़ी सही चलने लगती है। तो इस तरीके से गियर को डाउन करा जाता है और गियर बदला जाता है। वैसे जब आप चलाओगे तो सबसे मेन चीज़ होती है स्पीड की, स्पीड के हिसाब से ही गियर को डाउन करना और स्पीड के हिसाब से ही गियर को चेंज करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और कोई और क्वेश्चन या कुछ चीज़ रह गई हो आपके दिमाग में तो आप उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और उसका जवाब मैं आपको बिल्कुल दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।